हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस मैम। हम लोग आ गए हैं हमारे स्कॉलर्स बैच में एक नया चैप्टर लेके। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया था, एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू रीड द न्यू चैप्टर विच इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर का अगर मैं आप लोगों को बेसिक ओवरव्यू दूं तो आप लोगों को भाई ऑलरेडी पता है क्या क्या आएगा इस चैप्टर में। भैया ह्यूमन हार्ट के बारे में आ जाएगा, ब्लड के बारे में आ जाएगा, राइट। चैप्टर में क्या है, दो नाम है, एक है बॉडी फ्लूइड यानी कि बॉडी में बह रहे लिक्विड सब्सटेंसेस। यहाँ पर दो चीजें आएंगी, एक तो ब्लड आएगा और एक लिम्फ आएगा, और दूसरा है सर्कुलेशन कि किस तरीके से इनका पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, कौन से ऑर्गेनल्स इनके लिए, कौन से ऑर्गन्स इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, शुरू करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो मुझे बहुत पसंद हुआ करता था वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ही है। क्लास की शुरुआत करते हैं विद द नाम ब्लड। ब्लड क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स में बहने वाला एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन। आपको जो नाम देना है आप इसको नाम दे सकते हैं। अब बात आई कि किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। भैया गैसेस का करेगा, CO2 और ऑक्सीजन का पिछले चैप्टर में ही मैंने आप लोगों को बताया है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन यही भाई साहब करते हैं। उसके अलावा हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन यही करते हैं, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में रोल इस ब्लड का होता है। अब अगर मैं ब्लड को स्टडी करना शुरू करूं, यानी कि मुझे किसी ने बोला कि ब्लड का कॉम्पोजिशन बताना, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर बेटा आपको ओवरऑल मोटी मोटी दो चीजें देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। एक तो होगा ब्लड का लिक्विड पोर्शन, और दूसरा हो जाएगा ब्लड का आपका सेल्यूलर पोर्शन। यानी कि ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन है, एक कंडीशन तो वो आ गई, और दूसरी आ गई जो ब्लड के अंदर सेल्स मौजूद होती हैं वो। इस लिक्विड पोर्शन को हम प्लाज्मा कहते हैं, और पूरे ब्लड का 55% यही प्लाज्मा है। बचे हुए सेल्यूलर पोर्शन को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये 55% है, तो बचे हुए 45% ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए। एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे, प्लाज्मा को भी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को भी। ये फ्लो चार्ट मैं तो बोलूंगी अभी मत बनाओ, रुक जाओ, डिटेल में पूरा फ्लो चार्ट हम बनाएंगे। प्लाज्मा की बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला, लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, 55% है। अब ये जो प्लाज्मा है, सुनना ध्यान से, इस प्लाज्मा के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है वॉटर। भाई लिक्विड पोर्शन है तो पानी के बिना तो होगा ही नहीं। दूसरी चीज आपको यहां पर कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलने वाले हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। और तीसरी चीज आपको यहां पर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। अब ये सब क्या क्या है एक एक करके हम इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो वाटर की बात कर लेती हूं मैं। प्लाज्मा ब्लड का 55% है,
पर प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी है, 90 से 92% सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर मौजूद है प्लाज्मा के अंदर। उसके अलावा जो हम कहते हैं, मैंने अभी अभी बोला ब्लड में गैसेस मौजूद हैं, ये रही डिजॉल्व सब्सटेंसेस के अंदर आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, CO2, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं, उसके अलावा पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन्स हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हॉर्मोन्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। आपको ग्लूकोज देखने को मिल सकता है, अमाइनो एसिड्स और ये सब देखने को मिल सकता है। क्लियर? वाटर देखा, डिसॉल्व सब्सटेंसेस देखे, अब हम देखते हैं तीसरी चीज, प्लाज्मा प्रोटीन्स। थोड़ी जगह मुझे ज्यादा चाहिए, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां पर सबसे ये होते हैं पूरे ब्लड के 6 to 8%, ठीक है। 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन, बचा हुआ सब कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस। यहां पर सबसे पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरे नंबर पर है ग्लोब्यूलिन और तीसरा है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। सबसे पहले हम एल्ब्यूमिन के बारे में बात करते हैं। बेटा जो एल्ब्यूमिन है ना, वो ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। तो इसका क्या हो गया, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, यानी कि कितना सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मौजूद होगा, ये सारी चीजों को मेंटेन करके रखता है। दूसरे नंबर पर आ गए आपके ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन को हम डिफेंस प्रोटीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, राइट। जब आपके कोरोना वायरस हुआ था, या मतलब जब कोरोना वायरस यहाँ पर आया था, टचवुड आपके नहीं होना चाहिए, अगर किसी के हुआ था तो उसके ब्लड में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी, राइट। या आपने जब वैक्सीन लगाई थी तो आपके ब्लड में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भेजी गई थी, वो डिफेंस प्रोटीन्स, वो यही ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं। तो ये हो गए आपके डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस का रोल करते हैं। और तीसरा आ गया आपका फिब्रिनोजन। बेटा फिब्रिनोजन हमारा क्लॉटिंग प्रोटीन है, क्लॉटिंग प्रोटीन है, ठीक है। फिब्रिनोजन मतलब हमारा क्लॉटिंग प्रोटीन हो जाएगा। ये ब्लड को क्लॉट कराने का काम करता है। क्लॉट कराना मतलब कट लग गया, खून बहने लग गया, 5 मिनट 8 मिनट बाद खून अपने आप रुक जाएगा। आपको यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा और खून रुक गया है, वो है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन ही ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा का एक बेसिक ओवरव्यू कि लिक्विड पोर्शन है, 55% है, ये तीन इसके पार्ट्स हो गए। एक टर्म मैं यहीं पे और इंट्रोड्यूस किए देती हूं, टर्म का नाम है सीरम। सीरम का मतलब क्या है? अगर मैं ब्लड के प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दूं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड में जितने भी ब्लड को क्लॉट कराने के लिए फैक्टर्स मौजूद हैं, अगर मैं उनमें उन फैक्टर्स को हटा दूं, तब हम उस शब्द को सीरम कहते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या सीरम कभी कोएगुलेट कर पाएगा, कभी क्लॉट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इट कैन नेवर कोएगुलेट, इसका कोएगुलेशन नहीं होने वाला है। ये हो गया प्लाज्मा। अब हम दूसरे पे आते हैं, विच इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि ये हो गया सेल्यूलर पोर्शन।
ठीक है, 55% तो प्लाज्मा था, ये हो जाएगा 45%। ब्लड में आपको तीन तरीके की सेल्स देखने को मिल सकती हैं, हम उन तीनों का नाम देखते हैं। सबसे पहली सेल का नाम है RBC, फिर है WBC और फिर है प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें यहां पर मौजूद है। चलो देखो, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं RBC के बारे में। RBC का फुल फॉर्म ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा नाम क्या हो गया? एरिथ्रोसाइट्स इसका नाम हो गया। अब देखिए जरा, आरबीसी का जो जनरली नंबर होता है ब्लड में, नंबर इन ब्लड, वो है 5 to 5.5 million पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, यहां पे ब्लड में नंबर हो गया 5 to 5 million हो गया इसका नंबर। आरबीसी जो होती है इसका फॉर्मेशन अलग अलग लोकेशन से हो सकता है। फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब इसका फॉर्मेशन लिवर से होता है, एक ऑर्गन है स्प्लीन उससे भी हुआ है, बल्कि किडनी भी इसमें हेल्प कर देती है, लेकिन अडल्ट होने के बाद इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और जब ये मर जाती है, जब इनकी डेथ हो जाती है, कहां पर होती है डेथ? स्प्लीन में होती है। इसीलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ठीक है। स्प्लीन रेड ब्लड सेल्स मरती कितने दिन बाद है? इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, 4 महीने बाद इनकी डेथ हो जाती है, पैदा होने के 4 महीने बाद, 120 दिन का ही इनका लाइफ स्पैन होता है। अब आरबीसी के बारे में अगर मैं और बात करूं तो यहां पर ये रेड कलर है, और आप लोगों को, आपको मुझे सबको पता है कि इनका रेड कलर किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण आरबीसी रेड कलर की हो जाती है, और इसके कारण हमारा ब्लड भी रेड कलर का होता है 100। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, जो हीमोग्लोबिन है हर 100 ml ब्लड में 12 टू 14 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये सारी हमने आरबीसी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। यहां पर मैं एक और हार्मोन पढ़ाऊंगी, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, तब वहां पे चीजें और लिंक होंगी कि किस तरीके से किडनी भी इस काम में इन्वॉल्व होती है। चले आगे बढ़े, आरबीसी का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कितने दिन की होती है, कितना नंबर होता है इनका, उसके अलावा कितने पैदा कहाँ होती है, मरती कहाँ है, फंक्शन क्या करती है। अब हम दूसरे पर आते हैं, विच इज WBCs। नेक्स्ट हो गए आपके WBC। WBC को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। WBC का नाम क्या आ जाएगा? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये कलरलेस है, कलरलेस के लिए ल्यूको वर्ड यूज करते हैं, ये ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। अगर आप इनके नंबर की बात करें
6000 to 8000 इनका नंबर होगा वही पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। नेक्स्ट अगर आप इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो 1 to 3 weeks के आसपास का इनका लाइफ स्पैन होता है। इनका 1 से 3 हफ्ते का ही लाइफ स्पैन होता है जबकि आरबीसी का 4 महीने का लाइफ स्पैन होता है। अगर कोई डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस पूछने की कोशिश करे तो हम इसका सीधा सीधा फंक्शन कहेंगे इम्यून सिस्टम। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू बॉडी, इसीलिए हम इनको सोल्जर्स भी कहते हैं। बॉडी को फॉरेन पैथोजन से बचाने का काम यही करते हैं, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बातें हो गई डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब डब्ल्यूबीसी को हम मोटा मोटा 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि जब आपने उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उसकी कैसी अपीयरेंस दिख रही थी। यानी कि होता क्या है मैं आप लोगों को बताती हूं कि सपोज मैंने ये एक सेल बनाई। ठीक है, एक और चीज मैं इसकी शेप भी लिख देती हूं। डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप के होते हैं, यानी कि अमीबा जैसी इसकी शेप होती है, बदलती रहती है। तो ये रही मैंने एक सेल बना दी। ठीक है, एक सेल और बना देती हूं, इसी को कॉपी पेस्ट किए देते हैं। अब देखिए यहां पर जब हम इनका साइटोप्लाज्म को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो किसी किसी का साइटोप्लाज्म तो नॉर्मल होगा लेकिन किसी किसी के साइटोप्लाज्म में हमें ऐसे ग्रेन जैसे अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। किसी किसी का ऐसे नॉर्मल साइटोप्लाज्म होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका जब न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस भी कहीं पे मोटा फिर पतला फिर मोटा फिर पतला इस तरीके से होता है, जबकि इनका तो एकदम नॉर्मल लार्ज बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को? अब वो सेल्स जिनमें ऐसे ग्रेन्स जैसे अपीयरेंस दिख रहे हैं ऐसे डब्ल्यूबीसी को हम ग्रैन्यूलोसाइट्स कहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी तो आपके कहलाएंगे ग्रैन्यूलोसाइट्स और ये कहलाएंगे आपके ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं, जरा मुझे बताना, कि डब्ल्यूबीसी को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हो गए हमारे ग्रैन्यूलोसाइट्स और दूसरे हो गए हमारे ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ये जो ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं ये फर्दर 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, ग्रैन्यूलोसाइट्स 3 तरीके के होंगे ऑन द बेसिस कि आपने इसको जब स्टेन कराने की कोशिश करी तो ये कौन सी डाई से स्टेन हुए। जैसे कि एक आते हैं इओसिनोफिल्स, एक आते हैं बेसोफिल्स और एक आते हैं न्यूट्रोफिल्स। जो इओसिनोफिल्स हैं इनको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं। इओसिनोफिल्स का एक नाम और है एसिडोफिल्स। यानी कि नाम से देखिए जो एसिड से स्टेन हो जाए वो एसिडोफिल, जो एसिडिक डाई से स्टेन हो जाए वो एसिडोफिल, जो बेसिक डाई से स्टेन हो बेसोफिल और जो किसी जो न्यूट्रल डाई से स्टेन हो रहा है जो कि ना एसिडिक है ना बेसिक है वो न्यूट्रोफिल्स कहलाते हैं। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इन्हीं पे आगे बात करते हैं। जो इओसिनोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पर इओसिनोफिल्स रिलीज होते हैं। बेसोफिल्स का रिलीज होता है इन्फ्लेमेशन में।
इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में, यानी कि जहां पे सूजन हो गई है वहां पर। लेकिन अगर किसी को अस्थमा अटैक पड़ा है, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जीज है, तो उसकी बॉडी में ईओसिनोफिल्स का रिलीज होगा। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, दे आर फैगोसिटिक। फैगोसिटिक इस वर्ड का मतलब क्या है? देखो, फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब खाना, साइटो मतलब सेल को, सेल को खाकर उसको मार देना, इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आपकी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन बैक्टीरिया आ जाता है, फंगस की कोई सेल घुस जाएगी, वायरस घुस जाएगा, तो हमारे बॉडी के न्यूट्रोफिल्स उसको खाकर उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट आ गए ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ए ग्रैन्यूलोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक को हम कहते हैं मोनोसाइट्स और एक को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का भी वही काम है जो कि न्यूट्रोफिल्स का है, यानी कि ये दोनों के दोनों फैगोसाइटिक नेचर शो करते हैं, ये दोनों के दोनों फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स एक्चुअली में एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करता है। समझे जरा ध्यान से, ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। यहां पर जो बी वर्ड मैंने बोला है, बी वर्ड आया है बोन मैरो से, वही हमारे बोन्स के बीच में एक स्पॉन्जी फ्लूड जैसा सब्सटेंस भरा है, वो बोन मैरो कहलाता है। और टी वर्ड आया है नेक्स्ट है आपके टी लिम्फोसाइट्स। जो टी वर्ड आया है वो थाइमस से आया है, थाइमस ग्लैंड मौजूद होता है हमारी बॉडी में, अगेन एंडोक्राइन के अंदर इसको पढ़ाऊंगी। ये जो बोन मैरो है, बी लिम्फोसाइट्स हैं, इनका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इनका फंक्शन क्या है? जो हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज बनती हैं उसका फॉर्मेशन, एंटीबॉडी। और टी लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन है? ये बी लिम्फोसाइट की मदद करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में, दे हेल्प बी लिम्फोसाइट्स इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारी बॉडी में अलग अलग पाई जाने वाली WBCs हो गई। और एक बात देखते हैं, चलिए देखते हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, कितना? 60-65%। दूसरे नंबर पर न्यूट्रोफिल्स के बाद में दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं हमारे मोनोस, हमारे लिम्फोसाइट्स। कितने? 22-25%। तीसरे नंबर पर मोनोसाइट्स, कितना? 6-8%। चौथे नंबर पर पाए जाते हैं ईओसिनोफिल्स, 2-3%। और बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं हमारे बेसोफिल्स, मात्र 0.5-1%। यानी कि ये मैंने आप लोगों को इनका डिसेंडिंग ऑर्डर बना के बता दिया। ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट मोड में पूछा जा चुका है, अच्छे से इसको पढ़ना और याद करना। यहां पे हमारे WBCs खत्म होते हैं और अब हम देखेंगे हमारे प्लेटलेट्स को। नेक्स्ट आ गए प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स है ना स्टूडेंट्स, ये
जो हमारे प्लेटलेट्स हैं इनको हम एक और नाम देते हैं विच इज थ्रोम्बोसाइट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कंप्लीट सेल्स नहीं है, ये पूरी की पूरी सेल नहीं है जैसे आरबीसी है डब्ल्यूबीसी है, ये सेल्स के टुकड़े होते हैं, इसीलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। दे आर सेल फ्रैगमेंट्स। इनके अगर मैं नंबर की बात करूं तो इनका नंबर होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख तक, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक ये हमारे पर सेंटीमीटर क्यूब ब्लड में मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ये लोग हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे अभी डेंगू बहुत फैल रहे उस टाइम पर ब्लड में इन्हीं प्लेटलेट्स का नंबर कम होने लगता है, ये कभी कभी तो 10 से 15 हजार तक ही रह जाते हैं कुछ एक्सट्रीम सीवियर डेंगू पेशेंट्स के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये जो एक सेकेंड, ये जो हम बात कर रहे हैं 1.5 से 3.5 लाख सेल फ्रैगमेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रही थी कि जब इतना प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है तो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, इवन इंटरनल टिप ब्लीडिंग भी होने लग जाती है एक्सट्रीम डेंगू पेशेंट्स के अंदर। अदरवाइज अगर आपको ब्लड क्लॉट कराना है तो प्लेटलेट्स का नंबर एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। अब हम पूरे ब्लड को कंबाइन करके इसका एक चार्ट बना देते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि एक बार बाद में रुक के बनाएंगे। ब्लड, ब्लड में एक तो आया आपका प्लाज्मा और नेक्स्ट आ गए आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा आया आपका 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आए 45%, ठीक है। चले आगे देखते हैं। प्लाज्मा को अगर हमने स्टडी किया तो प्लाज्मा आगे डिवाइड हुआ 3 कैटेगरी में, वाटर, नेक्स्ट आ गए आपके प्रोटीन्स और आयंस या डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। वाटर 90 से 92%, प्रोटीन 6 to 8%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स और दूसरे आ गए ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। ग्रैन्यूलोसाइट्स में आपको देखने को मिली 3 चीजें, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैन्यूलोसाइट डिवाइड हो गए हमारे 2 कैटेगरी में, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स फर्दर और डिवाइड हो गए बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये लीजिए, हो गया हमारा पूरा ब्लड जितना हमने पढ़ा उसका एक प्रॉपर फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को बना के दे दिया है। इसको आप 2 मिनट भी अच्छे से देखेंगे आपको ब्लड में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले एनसीईआरटी का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं।
देखिए ये इन्होंने आरबीसी दिखाया है। आरबीसी में एक और बात बता देती हूं मैं, आरबीसी की शेप, इसकी शेप और लिख लेते हैं हम लोग, इसकी शेप होती है राउंड एंड बाइकॉनकेव, यानी कि कुछ इस तरीके की इसकी शेप होती है। अगर आप साइड से देखें और ऊपर से देखें तो राउंड शेप होगी। ठीक है, एक और बात, ह्यूमन मैच्योर ह्यूमन आरबीसी, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी, ये इन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि यहां पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। चलिए अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम पे। ये रहे हमारे आरबीसी, नेक्स्ट ये रहे प्लेटलेट्स, सेल फ्रैगमेंट्स जिनको हम कहेंगे, इओसिनोफिल्स। अगर आप इस को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर एक न्यूक्लियस, फिर ऐसे, और यहां पर न्यूक्लियस दिख रहा है। ये है एक ही न्यूक्लियस लेकिन टुकड़ों में मौजूद है। नेक्स्ट आ गए आपके बेसोफिल्स। देखो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, सबके अंदर आपको ग्रैन्युलर अपीयरेंस देखने को मिल रही है। बेसोफिल्स डायग्राम में क्लियर नहीं है लेकिन वो भी कुछ इस तरीके की लोब शो करता है। न्यूट्रोफिल्स के अंदर तो भैया बहुत सारे अलग अलग लोब्स मौजूद होते हैं, इस तरीके का न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट्स इस तरीके से बीन शेप्ड होगा और कोई ग्रैन्युलर अपीयरेंस नहीं है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों के अंदर भी कोई ग्रैन्युलर अपीयरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग बताती हूं मैं। देखो आप लोगों ने या तो रियल लाइफ में भी, आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को इतना पता होगा, नहीं पता तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, मूवीज में देखा होगा कि हम रैंडमली किसी इंसान को किसी का भी ब्लड नहीं चढ़ा देते अगर उसके अंदर कुछ, जिसको कहते हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया, बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, तो अच्छा ये इंसान जा रहा है आओ इस पकड़ो इसको और इसी का खून चढ़ा दो। नहीं, प्रॉपर टेस्ट होता है और उसी के बाद एक अप्रोप्रिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जब इसको स्टडी किया तो पता चला कि हम सबके ब्लड में अलग अलग तरीके के कुछ मॉलिक्यूल्स का बेसिक सा डिफरेंस है जिसके कारण ऐसा हो पा रहा है। अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स इस हिस्ट्री में साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर दिए हैं। सबसे फेमस है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कार्ल लैंडस्टीनर का, उसी को हमें पढ़ना है। आपने यही सुना है किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी, किसी का ए बी और ओ, उन्हीं के द्वारा दिया गया ये है। अब ये है क्या कॉन्सेप्ट समझे, सपोज ये मैंने एक ब्लड कैपिलरी बनाई है, यहां पर ये मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो पहले तो लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा मौजूद होगा, और यहां पर मैं एक आरबीसी बना देती हूं, ये आरबीसी मौजूद है। दोनों बातें समझ लीजिए, फिर सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस आरबीसी के ऊपर हो सकता है कोई स्पेशल शुगर मौजूद हो, क्या मौजूद हो, कोई स्पेशल शुगर यहां पर मौजूद हो, उसी शुगर को हम एंटीजन का नाम देते हैं। और प्लाज्मा में वो मौजूद है ना, ग्लोब्यूलिन्स, एंटीबॉडीज मौजूद है, तो प्लाज्मा में ब्लड के अंदर मौजूद कुछ शुगर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, थोड़ा सा और समझो, अभी समझाती हूं। आप लोगों ने सुना है कि हमारे अंदर ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, यानी कि ए ब्लड, एक ब्लड ग्रुप ए है, एक बी है, एक ए बी है और एक ओ है। समझे क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सी बात है। एक आरबीसी थी,
उस आरबीसी के ऊपर एक शुगर मौजूद थी। इस शुगर को मैंने नाम दे दिया ए शुगर। सपोज अब क्या हुआ, कोई एक और आरबीसी थी, उस आरबीसी के ऊपर एक दूसरी शुगर मौजूद थी, ये लीजिए। इस शुगर को मैंने बी शुगर का नाम दे दिया। तो वो इंसान जिसके ब्लड में ए नाम वाली शुगर है, उसको मैंने बोला कि तुम्हारा ए ब्लड ग्रुप है। वो इंसान जिसके ब्लड में बी शुगर मौजूद है, उसको मैंने बोला तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके आरबीसी के ऊपर आपको ए शुगर भी देखने को मिलेगी और बी शुगर भी देखने को मिलेगी। जिनके पास ये दोनों शुगर्स हैं, उनको हमने बोला तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है। और कुछ ऐसी आरबीसी हैं जिनके ऊपर कोई शुगर नहीं है, हमने बोला तुम्हारे ऊपर कोई शुगर नहीं है, तुम्हारे पास जीरो शुगर है। जीरो बोला था, बाद में नाम पड़ गया ओ और उनका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। ठीक है, क्लियर हुई वापस से ये बात? क्या बोल रही हूं मैं, अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप हो गया ए। एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी। अगर बी एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप हो गया बी। अगर ए एंड बी दोनों एंटीजन मौजूद हैं, नाम पड़ गया ए बी। और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो नाम पड़ गया ओ, ओ हो गया फिर उसका ब्लड ग्रुप। क्लियर हुई ये बात? एक पॉइंट समझ में आया? ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट समझाती हूं मैं। देखो ये मेरा ब्लड ट्रैवल कर रहा है, यहां पर आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है, इसके ऊपर ए एंटीजन मौजूद है। अब समझिए, अच्छा एक और है, इसके अंदर आरबीसी है, कोई दूसरा इंसान है और वहां पर बी एंटीजन मौजूद है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी। अब देखो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, वो कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारी ही सेल्स चाहिए और किसी भी सेल का कुछ भी आ गया तो मुझे, मैं नहीं जानती उसे, मैं तो उसे मारने लग जाऊंगी। तो उसने क्या किया, इमेजिन करिए कि उसने ना जुगाड़ भेजी है इस नेचर ने। नेचर ने हम सबकी बॉडी में ऐसा भेजा है कि हमारी बॉडी की सेल्स को तो हम सहेज के संभाल के रखेंगे, पर बाहर की कोई सेल आ गई तो उसकी शामत नहीं है, उस मतलब उसकी शामत है, शामत है, हम मार डालेंगे उसे, खत्म कर देंगे, किल कर देंगे। अब सोचो अगर एक इंसान है जिसकी बॉडी में ए एंटीजन है, तो ये वाली तो उसकी अपनी शुगर है, अपनी आईडी है, अपना आरबीसी है, लेकिन अगर उसकी बॉडी में ये आ गया तो ये इसको मारने की कोशिश करेगा और उसको मारने के लिए उसके पास कुछ होना भी तो चाहिए, तो उसके प्लाज्मा में मौजूद होते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एबी का मतलब है एंटीबॉडी। अब देखो बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगे ना, ताकि इन केस बी एंटीजन कभी आए तो मैं उसे मार के खत्म कर दूं, इसीलिए यहां पर एंटीबॉडी का नाम होता है एंटी बी एंटीबॉडी। इस इंसान को देखो, इस इंसान के अंदर बी एंटीजन है, यानी कि इसका खुद का एंटीजन बी है। अब ये क्या चाहेगा, बाहर से कोई आ जाए, दूसरा एंटीजन आ जाए, मैं खत्म कर दूंगा उसे, तो उसके प्लाज्मा में
ए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, एंटी ए एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखिए जरा वापस से एक कंडीशन समझाती हूं। ये मैं ब्लड कैपिलरीज बना रही हूं, ठीक है, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। यहां पर एक आरबीसी घूम रही है जिसके ऊपर ए एंटीजन भी मौजूद है और बी एंटीजन भी मौजूद है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। एक दूसरा आदमी है उसके अंदर आरबीसी है, उसमें कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो जरा, अगर इसके पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है तो ये दोनों एंटीजन इसके खुद के अपने एंटीजन है, तो ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, अरे किसी के अगेंस्ट नहीं बनाएगा, इसका तो सब अपना है, तो इसीलिए यहां पर नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती है। ओ में देखो, यहां पर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, तो सब इसके पर आए हैं, इसके ब्लड में एंटी ए एंटीबॉडी भी मिलेगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी मिलेगी, इसके ब्लड में सारी एंटीबॉडीज मिलेंगी। अब देखो इधर और कुछ बात करते हैं, ठीक है, देखते जाना। सबसे पहले मैं बात करती हूं इसकी, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए एंटीजन है तो इसका ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। देखना जरा ध्यान से भाई, ये इसका एक्सीडेंट हो गया और इसे ब्लड की जरूरत है, क्या इसको बी वाला ब्लड दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर ये ब्लड इसकी बॉडी में आया तो यहां पर ये एंटी बी एंटीबॉडी खड़ी हो जाएंगी, कान खड़े हो जाएंगे और वो इसको मारने लग जाएगा, तो बी वाला इसको ब्लड नहीं दे सकता, इसको बी वाला, अच्छा हाँ बी वाला ब्लड नहीं दे सकता। अच्छा ए ब्लड ग्रुप है तो ए वाला तो दे ही देगा, क्योंकि उसके पास में भी यही एंटीजन और यही एंटीबॉडी है, तो ए वाला ब्लड ग्रुप दे देगा। यहां पर आओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास ए एंटीजन तो है लेकिन बी एंटीजन भी तो है, ए एंटीजन तो चलो इसको अपना लगेगा लेकिन बी वाला तो पराया लगेगा, तो ये उसे मारने लग जाएगा, ये ए बी से भी नहीं ले सकता। इधर बात करते हैं, अगर इसकी बात करूं तो भैया इसके पास में तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसका ब्लड तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको ये ओ से ब्लड ले सकता है, क्योंकि ओ के पास एंटीजन ही नहीं है, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगा। दूसरा इंसान का ब्लड ग्रुप बी है, आरबीसी पर बी एंटीजन है, एंटी ए एंटीबॉडी प्लाज्मा में मौजूद है। अब इन भाई साहब के चोट लग गई है, ब्लड चाहिए, बी वाले से तो ले लेंगे, ए वाले से सोचो नहीं लेंगे, क्योंकि इसके ब्लड में एंटी ए एंटीजन है, ये आएगा ये इससे लड़ेंगे, यहां तो भैया बात और बिगड़ जाएगी। ए बी एंटीजन, ए बी एंटीजन है, दोनों हैं, तो क्या होगा भैया, बी एंटीजन तो अपना है पर ए नहीं है, तो ये ए बी से भी नहीं ले सकता लेकिन ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ के पास में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो बॉडी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगी। आगे देखते हैं, इस ए बी की बात करते हैं, अरे भैया इसमें तो कोई भी ब्लड डाल दो, इसके पास तो एंटीबॉडी ही नहीं है, ये कहां उससे लड़ाई करेगी, तो आप इसको ए का ब्लड ग्रुप दे दो, बी का दे दो, ओ का दे दो, ए बी का दे दो, ये सबसे ले सकता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, एक्सेप्टर या रेसिपिएंट कुछ भी आप बोल सकते हैं। ओ की बात करते हैं, ओ को कौन ब्लड देगा, अगर ए देगा तो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी है,
बी देगा तो बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ए नहीं, बी नहीं, ए भी तो बिल्कुल भी नहीं, तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है। पर यहां पर एक बात देखिए, ओ ने इसको भी दिया, ओ ने इसको भी दिया, ओ ने इसको भी दिया, तो इसीलिए ओ हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल डोनर है, सॉरी एक्सेप्टर वो है, ये यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। और यही ए बी ओ ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आप लोगों को स्प्लिट करके बताया, आपको एनसीईआरटी में एक टेबल की फॉर्म में मिल जाएगा। अब अगर आप उस टेबल को पढ़ेंगे तो आपको एकदम 100% क्लैरिटी दिखने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप तो मिल गया, उसके बाद आरबीसी पे एक और एंटीजन हमें देखने को मिला। देखिए ये आरबीसी है, ठीक है, अगर उस पे ऐसा है तो ए एंटीजन है, ये है तो बी एंटीजन, लेट सपोज अगर ये दोनों है तो ए बी एंटीजन हो जाएगा, और कुछ नहीं है तो नो एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप। तो यहां पर तो क्या हो गया, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, ए बी और कुछ नहीं है तो ओ। इसके अलावा हमें एक और एंटीजन इन पर देखने को मिला, लेट सपोज ये रहा वो एंटीजन, ठीक है, ये रहा वो एंटीजन, ये जो एंटीजन है आरबीसी पर ही मौजूद है, ये एंटीजन हमें सबसे पहले देखने को मिला रीसस मंकी में, सबसे पहले रीसस मंकी के अंदर हमें ये देखने को मिला, इसीलिए उसके नाम पर हमने इसका नाम रख दिया आरएच एंटीजन। अब जिस आरबीसी में आरएच एंटीजन मौजूद है, अब देखो कैसे पहचानेंगे, देखिए जरा, अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, यहां पर ए और बी दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, यहां पर आर एच एंटीजन मौजूद है ए बी पॉजिटिव, और आर एच एंटीजन नहीं है ए नेगेटिव। चलिए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, यहां पर ऐसा करते हैं, चलिए ये करिए, आंसर तो मैं बता दूंगी, आप लोग सोचिए और करिए इसको, एक ये कर लेते हैं, बी एंटीजन है और आर एच भी है तो बी पॉजिटिव, जो कि मेरा ब्लड ग्रुप है, यहां पर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं है ओ, लेकिन आर एच एंटीजन है ओ पॉजिटिव। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास आर एच एंटीजन मौजूद नहीं होता, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस के आरबीसी में आर एच एंटीजन मौजूद होता है, तो वो सब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, नहीं होता तो नेगेटिव। अगेन एक बात सुनिए, अगर एक इंसान है उसके आरबीसी में चाहे कोई एंटीजन ये हो, चलो सपोज बी एंटीजन है तो उसकी उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी ब्लड ग्रुप, राइट, उसके प्लाज्मा में क्या मौजूद होगा, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी, तो एंटी ए एंटीबॉडी, राइट, यहां पर आर एच एंटीजन है नहीं तो आर एच एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटी आर एच एंटीबॉडी होगी। अब देखो अगर ये कोई एक और इंसान है, ये इसके ब्लड में ये रही आरबीसी, यहां पर व्हाटएवर आगे कुछ भी हो, मुझे तो इससे फोकस है,
यहां पर RH एंटीजन है पॉजिटिव, कोई और नहीं है O पॉजिटिव। O तो यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, लेकिन तब भी ये वाला ब्लड हम इसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भैया यहां पर इस RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद है, वो उसको खत्म कर देगी। इसीलिए मैंने आपको अभी बोला कि यूनिवर्सल डोनर ओ है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी है। इसको चेंज कर लो, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव और एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव है। ये बात क्लियर हुई है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। इसी RH एंटीजन से रिलेटेड मुझे एक और बात आप लोगों को बतानी है, विच इज वेरी फेमस केस ऑफ ऑफ अ पेरेंट जिनमें से मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल RH नेगेटिव है। ठीक है, एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, मेल RH पॉजिटिव है, फीमेल RH नेगेटिव है। एक बीमारी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं, बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पीटिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पीटिलिस इस बीमारी का नाम है। अब इसमें होता क्या है समझिए, अगर ये सिर्फ तब होगी जब मेल RH पॉजिटिव होगा और फीमेल नेगेटिव होगी, अगर उल्टा होगा तो ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो हम इस बीमारी की बात नहीं करेंगे। जब इनका बच्चा होगा तो बच्चा हमेशा RH पॉजिटिव है। सपोज ये मैंने बात कर ली इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी की, ठीक है, हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड RH पॉजिटिव, वाइफ RH नेगेटिव, इन दोनों की फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, बेबी का बर्थ हो गया, नॉर्मल, बच्चा हुआ RH पॉजिटिव, फर्स्ट प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम पे अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, तब जाकर हल्की सी इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, नहीं तो उससे पहले बच्चा 9 महीने तक जब मम्मी के वूम्ब में रहता है तब ऐसा कभी नहीं होता कि मम्मी का ब्लड बच्चे में आए या बच्चे का ब्लड मम्मी में चला जाए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस होंगे, न्यूट्रिएंट्स बच्चे के पास जाएंगे, गैसेस बच्चे के पास जाएंगी, CO2 वेस्ट मटेरियल बच्चे से बाहर निकाले जाएंगे, एंटीबॉडीज देती है मम्मी अपने बच्चे को ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी वगैरह डेवलपमेंट हो, लेकिन ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। पहली प्रेगनेंसी हुई, बच्चा RH पॉजिटिव था, अब जब बच्चे का बर्थ हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है, उस टाइम पर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। उस टाइम पर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, समझे। अब मम्मी के बॉडी में थोड़ा सा RH पॉजिटिव ब्लड चला गया, ये RH पॉजिटिव ब्लड बच्चे का एंटर कर जाएगा मदर्स बॉडी में, एंटर मदर्स बॉडी। और अगर भैया पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव में डाल दिया है, या तो खलबली मच जाएगी, यहां पर एंटीबॉडी बन जाएंगी, एंटी RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ के साथ मम्मी का ब्लड जिंदगी भर याद रखेगा कि इस एंटी RH एंटीबॉडी को कैसे बनाना है। अब सोचो आगे क्या हुआ, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई है, अब मैं बात कर रही हूं सेकेंड प्रेगनेंसी की। उस प्रेगनेंसी में भी बच्चा या बच्ची व्हाटएवर RH पॉजिटिव होंगे। भैया अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड तो ट्रैवल नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडीज तो ट्रैवल हो जाती हैं, तो मम्मी की अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे के अंदर एंटर कर जाएगी, कौन एंटर कर जाएगी, एंटी RH एंटीबॉडी, और उसको देखेगा RH एंटीजन, वो उसे मारने लग जाएगी, अरे भाई बच्चे का ब्लड है वो, उसकी RBC है, लेकिन ये उसी को मार देगी, उसको तो लगेगा मुझे तो दुश्मन दिख रहा है, और वो उसे मारने लग जाएगी। बच्चे के अंदर सीवियर एनेमिक कंडीशंस हो जाती हैं,
सीवियर एनीमिया बच्चे के अंदर हमें देखने को मिलता है, बच्चे की डेथ भी इससे हो सकती है, बीमारी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोसाइट का ब्लास्ट हो जाता है, एनीमिया हो जाता है किसके अंदर, फीटस के अंदर, कब, जब मेल आरएच पॉजिटिव और फीमेल आरएच नेगेटिव होंगे उस टाइम पर। क्लियर हुआ ये टॉपिक आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब से बैक टू बैक क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, या तुम्हारी और मेरी आसान भाषा में ब्लड क्लॉटिंग। हमारे चोट लगती है लेकिन विद इन कुछ टाइम हमारा ब्लड रुक जाता है, ब्लड वेसल से बाहर आना, बॉडी से बाहर आना बंद कर देता है, बस इसी को हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। एवरेज टाइम जो होता है वो 3 to 5 minutes हम मानते हैं। छोटा कट है तो इससे कम लगेगा, बड़ा है तो और ज्यादा लग सकता है, लेकिन एवरेज 3 to 5 minutes के आसपास हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। और क्लॉट करने में रोल होता है प्लेटलेट्स का, राइट? प्लेटलेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। ब्लड के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड को कोएगुलेट कराने में हेल्प करते हैं। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है कैस्केड रिएक्शंस या कैस्केड थ्योरी या कैस्केड प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है समझिए। बेसिकली हुआ क्या, कई सारे स्टेप्स होंगे, पहला स्टेप हुआ उसका जो प्रोडक्ट बना वो दूसरे रिएक्शन में काम आएगा, फिर वो तीसरे में, फिर वो चौथे में, ऐसे 13 फैक्टर्स का अलग अलग जगहों पर स्पेसिफिक रोल होता है, हम इसको कैस्केड थ्योरी कहते हैं। ये प्रोसेस होता कैसे, बहुत सिंपल है, जरा समझिए। जब भी कहीं चोट लगेगी तो इंजर्ड टिश्यूज वहां पर जो मौजूद है और प्लेटलेट्स, इंजर्ड टिश्यूज और प्लेटलेट्स, ये दोनों के दोनों फॉर्मेशन करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन का, फॉर्मेशन करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बो काइनेज में। कैसे होता है, वही कैस्केड थ्योरी, कैस्केड रिएक्शन लिख देती हूं मैं, ठीक है? कैस्केड रिएक्शंस होती रहेंगी, कई सारी रिएक्शंस होंगी, मल्टीपल रिएक्शंस, तब जाके थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन होगा। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ब्लड में ही जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसमें से एक है प्रोथ्रोम्बिन, ये उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें किसने हेल्प किया, थ्रोम्बोकाइनेज ने हेल्प किया, ठीक है? ये जो थ्रोम्बिन बना, अब ये क्या करता है ब्लड में, मैंने आपको बताया क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन है, राइट? क्लॉटिंग प्रोटीन है, वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे हो पाया, थ्रोम्बिन के कारण हो पाया। जरा देखिए, इंजर्ड टिश्यूज थे, वो इंजर्ड टिश्यूज और प्लेटलेट्स ने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बोकाइनेज में, थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। ये जो फिब्रिनोजन है ये तो प्लाज्मा में सॉल्युबल था, लेकिन फिब्रिन इनसॉल्युबल होता है, और ये इस तरीके का जाले जाले जैसा स्ट्रक्चर बना देता है जिससे ब्लड के सेल्स बाहर नहीं आते। मैं इसको क्या ऐसा कह दूं कि मैश,
लाइक जाले जैसा स्ट्रक्चर इसने बना दिया है ताकि ब्लड बाहर रिलीज ना हो. और जो आपको डार्क ब्राउन कलर का देखने को मिलता है दैट इज नथिंग बट यही फिब्रिन्स है. फिब्रिन का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि धागे जैसा है. फिब्रिन का प्रिमिटिव फिब्रिनोजन. थ्रोम्बिन एक्टिव है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है. और ये पूरी कैस्केड थ्योरी है, ये पूरी डिटेल में हमें एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरीके से एक्चुअली में वो ब्लड का कोएगुलेशन होता है. हैव अ लुक एट दिस, फिर आगे देखते हैं. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. सही चल रहा है? सही चल रहा है. चल आगे बढ़ते हैं. हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के अंदर कौन कौन मौजूद है, ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है, ब्लड क्लॉटिंग. और अब हम देखते हैं हमारा दूसरा फ्लूड जिसका नाम है लिम्फ. इसको हम कुछ अलग अलग नाम भी देते हैं. हम इसको टिश्यू फ्लूड भी कह सकते हैं, ठीक है. हम इसको इंटरस्टीशियल फ्लूड भी कह सकते हैं. और ये कलरलेस होते हैं. अगर ये कलरलेस है यानी कि सीधा सीधा मुझे पता चल गया कि आरबीसी एब्सेंट हो गया. अब क्या कहानी है इसकी जरा समझिए. जैसे सपोज ये बड़ी सी आर्टरी थी, इस आर्टरी से छोटी छोटी कैपिलरीज निकल रही हैं, राइट. और बाद में ये वेन्स बन जाएंगे. अब यहां पर ये जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज हैं, यहां पर पतली पतली सिंगल स्क्वामस एपिथीलियम की लाइनिंग होगी. जैसे ही ब्लड यहां पर आएगा तो यहां से कुछ कंपाउंड्स बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि वाटर प्लस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. वाटर निकल जाएगा, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस निकल जाएंगे, ठीक है. उसके अलावा WBCs निकल जाएंगी क्योंकि उन सबका साइज स्मॉल होता है. यहां पर अंदर क्या रह जाएगा? लार्ज प्रोटीन्स. जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना वो अंदर की तरफ अभी भी रहेंगे, आरबीसी अंदर की तरफ अभी रहेगी. ऐसी चीजें जिनका साइज बड़ा है वो तो अंदर की तरफ रहेंगी, छोटी छोटी चीजें बाहर निकल जाएंगी. और ये सारी चीजें मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं लिम्फ को. इन्हीं सब को हम मिला जुला कर लिम्फ का नाम दे देते हैं, ठीक है. इन्हीं सबको मिला जुलाकर हम लिम्फ का नाम दे देंगे. एम आई क्लियर? इतनी बात आप लोगों के समझ में आई? अब ये जो लिम्फ है ये अलग से वेसल्स में ट्रैवल करता है. इट ट्रैवल्स इन लिम्फैटिक वेसल्स. सिंस आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, कलरलेस है, ये क्या काम करेगा? ये भी ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन का काम करता है. वही चीजों के ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन का काम करेगा, लेकिन साथ के साथ में इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी भी प्ले करता है. अरे भाई WBCs की भर भर के यहां पर आपको क्वांटिटी देखने को मिलने वाली है. तो WBC का तो काम ही है इम्यूनिटी, इसीलिए इम्यूनिटी का भी ये काम करता है. क्लियर? अब जब ये मिल जाएंगे, लिम्फैटिक वेसल्स बन जाएंगी, ये लिम्फैटिक वेसल्स वापस से अपनी सप्लाई वेन्स में भेज देती हैं. क्या कह रही हूं मैं? ये मिलके लिम्फैटिक वेसल्स में ट्रैवल करेंगे, वापस से रिटर्न बैक कर देती हैं, रिटर्न बैक टू मेजर वेन्स. और इस तरीके से कंप्लीट सर्कुलेशन चलता रहता है. एक और अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताती हूं. अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
विलाय मौजूद होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं ना, विलाय। इन विलाय में एक्सेसिव ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। आपको यहां पर आर्टरीज भी देखने को मिलेंगी, रेड कलर मतलब आर्टरीज, ब्लू कलर्स यानी कि वेन्स भी देखने को मिल जाएंगी, और उसके अलावा यहां पर आपको लैक्टील्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर समझिए, इसको हम कहते हैं लैक्टील्स या लैक्टील। यहां पर जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है उसके अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स होंगे वो लैक्टील में चले जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, कौन से कलर से दिखेगा ये फैट मॉलिक्यूल्स लैक्टील में ट्रैवल करके चले जाते हैं। तो यहां पर इसका एक फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हो गया लिम्फ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेटरी पाथवे को समझते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको एनिमल किंगडम में भी दिया था कि दो तरीके के सर्कुलेटरी पाथवे हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हमारे टिश्यूज ऑर्गन्स ये ब्लड में डूबे हुए हैं, दे आर बेथिंग इन ब्लड, तो ओपन है। लेकिन ब्लड अगर हमेशा वेसल्स में, वेन्स में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में ट्रैवल कर रहा है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्क, और क्लोज आपको देखने को मिलता है एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। चलिए अब मैं वर्टीब्रेट्स में भी और डिटेल में आपको सब समझाती हूं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं फिशेस की। फिशेस के अंदर टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि एक तो एट्रियम मौजूद होगा और एक वेंट्रिकल मौजूद होगा। इनके अंदर होता क्या है जरा समझिए। सपोज ये है मेरा एट्रियम, ये है मेरा वेंट्रिकल, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये रहे हमारे बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया में आएगा, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड। एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से ये जाते हैं गिल्स के अंदर, गिल्स में इनका ऑक्सीजनेशन होता है, और ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में वापस चला जाएगा। इस तरीके से सर्कुलेशन होता है, हम इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, ढंग से लिख दें क्या? चलो भैया तुम कह रहे हो तो ढंग से लिखे देते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। मैंने तो ये नोट किया है कि बच्चे नोट्स सुंदर बना लेते हैं तो उनका पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। चलो देखते हैं आगे। फिशेस के बाद में
दूसरे आ गए आपके एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो एक मिनट, इसी को थोड़ा कॉपी पेस्ट करके थोड़े से एडिटिंग कर देते हैं। फिशेस के बाद में अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे। इनका थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, यहां पर दो एट्रियम होते हैं लेकिन एक ही वेंट्रिकल होता है। अब इनके अंदर क्या होता है समझिए, दो एट्रियम है, ठीक है, ये रहा एक एट्रियम, ये रहा दूसरा एट्रियम और एक आ गया वेंट्रिकल, ठीक है। एक जगह मेरे टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, चाहे वो लंग्स से आए, गिल से रेस्पिरेशन हो रहा है तो गिल से आए, स्किन से हो रहा है तो स्किन से आए, कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों यहां पर मिल जाएंगे तो मैं कहूंगी इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो टिश्यूज के पास में जाता है। यहां पर डबल सर्कुलेशन शुरू तो हुआ पर पूरा नहीं हो पाया, हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, हम कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तीसरे आ गए कौन कौन, एक तो रेप्टाइल्स में से निकला क्रोकोडाइल, बर्ड्स यानी कि एप्स और मैमल्स, इनके अंदर फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, फोर चेम्बर्ड हार्ट यहां पर होता है, यहां पर देखिए एट्रिया, ठीक है, एक वेंट्रिकल और दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, फोर चेम्बर्ड हार्ट है तो दो एट्रियम, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स है, यहां पर मौजूद हैं मेरे बॉडी टिश्यूज, ठीक है, और यहां पर मेरा लंग्स मौजूद है। अब होगा क्या, बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां जाएगा। देखो आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया है, ह्यूमन हार्ट में चार चेंबर्स होते हैं, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल, ठीक है, मैं इसको बोल देती हूं राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। डिटेल में हम इसी पूरे स्ट्रक्चर को वापस से पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा रही हूं। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम के अंदर, कौन सा, ये तो आपको दिखेगा ही नहीं, ये दिखेगा डीऑक्सीजनेटेड,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और वहां से लंग्स में चला जाएगा कि भैया तुम ठीक करके भिजवाओ। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज में चला जाएगा। इस पूरे को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी में पहले उन्होंने सर्कुलेटरी पाथवे बनाए हैं, फिर ह्यूमन हार्ट पढ़ा दिया और फिर वापस से डबल सर्कुलेशन ले आए। भाई जब एक ही चीज है तो हम दो दो चार चार बार क्यों पढ़े, हम लोग तो एक ही साथ में इसको पढ़ने वाले हैं। ये था सर्कुलेटरी पाथवे क्रोकोडाइल एप्स और मैमल्स का। अब मैं आपको डबल सर्कुलेशन यहीं पे कॉन्टिन्यूएशन में समझा रही हूं। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरे कंप्लीट साइकिल में ब्लड एंटर्स हार्ट ट्वाइस। ब्लड दो बार हार्ट में एंटर किया, हम इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जरा इसी बात को यहां पे देख लो। यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वो लंग्स में गया, ऑक्सीजनेट हो गया, ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल वापस से बॉडी में आया। यानी कि ब्लड यहां से शुरू होके जब वापस यहां आया तो उसने दो बार उसको हार्ट में से होके जाना पड़ा, एक बार राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, एक बार लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। बस अभी कुछ एक आधी बातें जो मैंने नहीं बताई हैं डिटेल में, मैं बाद में बताऊंगी। यहां पर बॉडी टिश्यू से जो ब्लड हार्ट में लेके जाते हैं उनको हम वेना कावा कहते हैं, ठीक है। यहां पर राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स में लेके जाती है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। लंग से जो लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी में लेके जाती हैं उसको हम आओटा कहते हैं, ठीक है। ये हमने मैंने मेजर आर्टरी और वेन्स बता दी। यहीं पर एक और बात और समझिए, यहां पर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मैं बात कर रही थी, डबल सर्कुलेशन को भी हमने दो नाम दे रखे हैं। एक तो हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक हम नाम देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो पल्मोनरी वर्ड हम हमेशा लंग्स के लिए यूज करते हैं, तो जो इतना जोन है जब यहां पर ब्लड निकला है और निकलकर लंग्स में गया है इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। और ये पोर्शन जब ये बॉडी में ट्रेवल कर रहा है तब हम इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे। और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन मिलाकर डबल सर्कुलेशन कहलाया जाता है। ये दोनों मिलाकर हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के डायग्राम को समझते हैं और एक दो बातें हम यहीं पर इसको देखेंगे। ये रहा मेरा हार्ट, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा की मदद से राइट एट्रियम में पहुंचा, वहां से राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, वहां से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में पहुंचा, लंग से पल्मोनरी वेन्स की मदद से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से आओटा की मदद से बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाएगा। यहीं पर मैं आप लोगों को
आर्टरीज और वेन्स के बारे में भी समझाए देती हूं। देख लेते हैं भैया, बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक का नाम है आर्टरी, एक का नाम है वेन और बाकी हो गई कैपिलरीज। तो कैपिलरीज तो काफी छोटी सी स्मॉल स्मॉल साइज की होती हैं, ठीक है, ठीके? उनको तो अलग से रहने दो। ये रहा, मैं कैपिलरी का स्ट्रक्चर बनाए देती हूं। ये बनी हुई होगी एक सिंगल स्क्वैमस एपिथीलियम की। आर्टरी और वेन की बात करते हैं। आर्टरी हमेशा ब्लड हार्ट से अदर पार्ट में लेकर जाएगी हमेशा, और वेन्स हमेशा ब्लड अदर पार्ट से हार्ट में लेकर आएगी, ठीक है। तो आर्टरी हमेशा लेकर जाएगी, वेन हमेशा लेकर आएगी, इसीलिए आर्टरीज हार्ट से ब्लड दूसरी जगह लेकर जाती हैं, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यूजुअली वेन्स के अंदर आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिल जाएगा, पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मैंने अभी अभी क्या बताया, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेकर गई है। लेकर गई है कि नहीं गई है? क्या कह रही हूं मैं कि पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेकर गई है, यानी कि ये इकलौती आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड को हार्ट में लेकर आती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसीलिए मेरा एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन समझ में आया आप लोगों को? एक और बात समझाती हूं, आर्टरी थिक वॉल्ड होती हैं, यहां पर ये थिक वॉल्ड होने वाली हैं और वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। यहां पर ज्यादा प्रेशर होता है आर्टरी में, यहां पर हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है, लेकिन वेन्स में लो प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। वेन्स के अंदर आपको इंटरनली कुछ सेप्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि उसके कुछ वाल्व देखने को मिलते हैं जो कि उसके बैक फ्लो को रोकते हैं, जो कि आर्टरीज में मौजूद नहीं होते, ठीक है। यहां पर मैं एक पॉइंट और बोल रही हूं कि यहां पर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। क्लियर हो गई ये बात? चलिए वापस से हम उस डायग्राम को देख लेते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम, इसमें देखिए जरा ध्यान से, देखिए सबसे पहले यहां पर हम वेन्स की बात कर रहे हैं, वेन्स। हाँ, एक एक और चीज, आर्टरीज को देखो, आर्टरीज थिक वॉल्ड है और उस कारण इनका ल्यूमेन नैरो हो गया है। वेन्स थिन वॉल्ड है इसीलिए इनका ल्यूमेन वाइड ल्यूमेन होता है। क्या कह रही हूं मैं, देखिए ध्यान से, आर्टरीज के अंदर थिक वॉल्ड है, नैरो ल्यूमेन हो गया है, वेन्स थिन वॉल्ड है तो इसीलिए वाइड ल्यूमेन यहां मौजूद होता है। ये पॉइंट भी हम लोग नोट करेंगे कि ये नैरो ल्यूमेन होगा और यहां पर वाइड ल्यूमेन देखने को मिलेगा।
ये हो गया आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक और डिफरेंस। वापस से हम इसको देखते हैं, ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर हुआ, एनसीईआरटी खोलिए, वापस से इसको देखिए। यहां पर हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ लिया और उसके बाद में हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में भी पढ़ लिया। कैपिलरीज देखिए, बेसिक सिंगल स्क्वामस एपिथीलियम की ये बनी हुई है। प्लीज आई वालो कैट दिस, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा हार्ट। इवन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो उस पहले महीने में हार्ट का ही फॉर्मेशन हो जाता है, फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में ही बेबी का हार्ट बन जाता है। चलिए अगर मैं आपको इसके बारे में बात करूं तो हार्ट मीजोडर्मली ओरिजिन है, मीजोडर्मल ओरिजिन है ह्यूमन हार्ट का। ठीक है, पहली बात तो मीजोडर्म से डेराइव हुआ है। दूसरी बात, ये कहां मौजूद होता है, वही थोरैसिक कैविटी में मौजूद होगा, थोरैसिक कैविटी। हम कहते हैं मीडिया स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम के जस्ट नीचे या स्टर्नम के जस्ट एकदम सेंटर में होता है, लेकिन स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। मीडिया स्टर्नम स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। साइज कितना होता है, एक बंद मुट्ठी जितना साइज इसका हो जाएगा क्लेंज्ड फिस्ट जितना। ठीक है, बंद मुट्ठी जितना इसका साइज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के रखा है। कहां गया इसका स्ट्रक्चर, ये रहा। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चेंबर्स मौजूद होते हैं, राइट। तो हम इसके चार चेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहां से कौन से इंपॉर्टेंट आर्टरीज और वेन्स अराइज होते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बात करी चेंबर्स की, वी हैव फोर चेंबर्स। मैं आप लोगों को ऐसे बना के बताती हूं, देखिए इस तरीके से चार चेंबर्स मौजूद हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले चेंबर को हम कहते हैं राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, हमेशा याद रखना राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इन दोनों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। अब समझिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक थिक वॉल्ड सेप्टम मौजूद होता है। उस सेप्टम का हम नाम रखेंगे, चाहे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हो, हम इसको नाम देते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर सेप्टम, ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्युलर सेप्टम हम इसका नाम रखते हैं, अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हो। अगर वेंट्रिकल्स के बीच में है तब हम नाम रखेंगे इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टम। क्या नाम रखेंगे, इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टम। और अगर अगर ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में हो तो हम इसका नाम रखेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम।
ठीक है, सेप्टम शब्द से समझ लो कि दीवार की बात हो रही है। तो यहां पर अब हम इस डायग्राम को देखते हैं, यहां पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, तो बहुत क्लियरली दिखता नहीं है। ऑरिक्यूलर और वेंट्रिकल के बीच में इंटर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम हो जाएगा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में काफी मोटा सा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, और दोनों एट्रियम के बीच में इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम मौजूद होगा। और पता है क्या, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, उस टाइम पर क्या होता है बताऊं? देखिए, जैसे सपोज ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, बहुत ही खराब हो गया, रुक जाओ, और कुछ नहीं बना रही हूं, मुझे बस एक चीज बतानी है, ये जो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये बीच में से खाली होता है, यहां पर एक होल जैसा होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से ही ऐसे मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे इस टाइम पे जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तब लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहीं पर एक दूसरे से मिक्स होता है, हम इसको कहते हैं फोरामिन ओवेल। लेकिन जब बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद में ये होल कंप्लीटली फिल हो जाता है, और लेकिन फिर भी एक ना एक निशान जैसा रह जाएगा, तो वो जो उसका मार्क रह जाता है उसको हम कहते हैं फॉसा ओवेलिस। आपने एकता कपूर के टीवी शोज में सुना होगा कि दिल में छेद की बीमारी है, वो यही है कि बच्चे का फोरामेन ओवेल कंप्लीटली फिल नहीं हुआ है, फोसा ओवेलिस जो है, मतलब वहां पर एक ओपनिंग मौजूद है जिसके कारण इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि 40 साल के बाद पता चल रहा है, बच्चे को स्टार्टिंग टाइम में ही विद इन कुछ दिन और कुछ वीक्स पता चल जाता है कि उसके बॉडी में ऐसा इश्यू है। डॉक्टर्स अगर ट्रीट कर पाते हैं, वो ट्रीटेबल होता है, तो वो ट्रीट हो जाता है, अदरवाइज बच्चे की डेथ हो जाती है। खैर चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने देखा क्या क्या बातें देखी, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताती हूं कि यहां पर कहां से कहां ब्लड आया और कहां से कहां ब्लड गया। ठीक है, देखो हार्ट का डायग्राम टुकड़ों में पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हुआ क्या, हमारा जो राइट एट्रियम है उस राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से, तो बॉडी से वो वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी उस वेन का नाम यह है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखिए वो वेन जो कि ब्लड राइट एट्रियम में लाएगी हम उसको कहते हैं वेना कावा। अगर वो हार्ट से नीचे वाली बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आ रही है तो उसका नाम पड़ता है इंफीरियर वेना कावा, और अगर वो ऊपर पोर्शन से ब्रेन और फेशियल मसल से ब्लड लेकर आ रही है तो उसका नाम पड़ जाता है सुपीरियर वेना कावा, पर हम उसको ओवरऑल वेना कावा का नाम देते हैं। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां, लंग्स के पास में, वहां पे ऊपर कौन बैठे हैं, लंग्स बैठे हैं, लंग्स के पास में ब्लड ले जाने का काम करती है पल्मोनरी आर्टरी। ऑलरेडी मैंने डबल सर्कुलेशन में आपको इसका नाम बताया था, अब लंग्स से वापस ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेकर आने का काम करेगी कौन, पल्मोनरी वेन। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट
वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में लेके जाने का काम करेगी आओटा। ठीक है, अब हम हार्ट के डायग्राम में इसकी भी लेबलिंग कर लेते हैं। देखिए ये जो मैंने बनाई है ये हो गई हमारी SVC सुपीरियर वेना कावा, IVC इंफीरियर वेना कावा। अब देखो ब्लड यहां से आया होगा, यहां गया है तो, और ये दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पर ये यहां पे राइट लंग्स में लेके जाएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो जाएगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ये पल्मोनरी वेन्स हो जाएंगी, वहां से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और वहां से निकला, देखो ये हो जाएगा हमारा आओटा। अगर आप इस आओटा को देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये पल्मोनरी आर्टरी है और आओटा इसके ऊपर से ऐसे होके निकली है, ऐसे इसको ऊपर से कवर करके निकली है, तो ऐसे आर्क जैसा बन जाता है, हम उसको आओटिक आर्क कहते हैं, आओटिक आर्क। रिमेंबर मैंने आप लोगों को ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन में बताया था कि कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज मौजूद होते हैं, किसके पास में, कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को सप्लाई करती है और आओटिक आर्क के पास में। ठीक है चलते हैं, इतना हम लोगों ने देखा, हमने सारे एट्रियम देखे, वेंट्रिकल्स देखे। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताती हूँ। ये आपको कुछ येलो कलर के फाइबर्स दिख रहे हैं बेटा, ये कॉर्डे टेंडाइन कहलाते हैं, कॉर्डे टेंडाइन कहलाते हैं, जो कि वेंट्रिकल्स को हेल्प करते हैं कि ये कोलैप्स ना करें। इनको बहुत प्रेशर से ब्लड पंप करना होता है क्योंकि या तो लंग्स में जाएगा या बॉडी में जाएगा, तो इस कारण से यहां पर ये कोलैप्स ना कर जाएं, कॉर्डे टेंडाइन मौजूद होते हैं। एक और शब्द मैं आप लोगों को बताती हूं जिसको हम कहेंगे वाल्व्स। वाल्व्स क्या होते हैं, जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, तो यहां पर एक ऐसा गेट जैसा स्ट्रक्चर है, देखिए कुछ इस तरीके से, तो जैसे ही ब्लड नीचे आता है ये ऐसे बंद हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। तो वॉल्व का काम क्या होता है, वॉल्व का काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब कहां कहां पे हमें बैक फ्लो को रोकना है जरा इसे समझते हैं। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आए या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाए, दोनों ही जगह पे मुझे ब्लड बैक फ्लो को रोकना पड़ेगा। तो इन दोनों में बीच में वॉल्व मौजूद होते हैं, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद होता है आपका ट्राई कस्पिड वॉल्व और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाई कस्पिड वॉल्व मौजूद होता है, इसी को हम मित्रल वॉल्व भी कहते हैं। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आओटा में, तो हम चाहेंगे कि यहां पर भी बैक फ्लो ना हो, इसीलिए यहां पर भी वॉल्व मौजूद होते हैं और इन वॉल्व का हम नाम रखते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। एक और चीज, राइट एट्रियम में दो जगह से ब्लड आता है, एक तो आता है सुपीरियर वेना कावा से, एक आता है इंफीरियर वेना कावा से। इंफीरियर वेना कावा की एंट्री पर भी बैक फ्लो ना हो, इसीलिए एक वॉल्व मौजूद होता है यूस्टाचियन वॉल्व। ठीक है, वॉल्व के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। देखो अब इधर, तो यहां पर मौजूद होगा ट्राई कस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाई कस्पिड वॉल्व होगा।
लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से आओटा, यहां पर मौजूद होंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व और यहां पर मौजूद होगा यूस्टैचियन वॉल्व। तो मैंने आप लोगों को वॉल्व्स भी बता दिए, अब मैं आपको इसकी वाल्स वॉल्व के बारे में, दीवारों के बारे में बताती हूं। देखिए हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो हार्ट की जैसे जैसे मैंने आपको लंग्स में बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी होता है। कुछ इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। दो कार्डियम मेम्ब्रेन होती है, हम उनको कहते हैं पेरिकार्डियम, डबल मेम्ब्रेन, बाहर वाली होगी पेराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाली होगी विसरल पेरिकार्डियम। तो दो, जैसे लंग्स के अंदर दो वॉल्स थी जिन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखा था, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, और उन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूड भरा हुआ था, यहां पर मौजूद है विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम, और इनके बीच में भरा हुआ है पेरिकार्डियल फ्लूड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरिकार्डियल फ्लूड। अब ये सब क्या करेंगे, इन सब ने मिलके एक थैले जैसा स्ट्रक्चर बना लिया जो कि प्रिवेंट कर रहा है इसको, किसको प्रिवेंट कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली प्रिवेंशन कर रहा है ये इस हार्ट की मसल्स को, किससे, शॉक एब्जॉर्बर से या फ्रिक्शन से। ये सब मिलके क्या करते हैं, प्रोटेक्शन कर देते हैं। इन्हीं सबको मिलाकर हम पेरिकार्डियम का नाम दे देते हैं। क्या क्या फंक्शन करेंगे, इनका पहला फंक्शन होगा शॉक एब्जॉर्बर और दूसरा फंक्शन हो जाएगा, पहला फंक्शन शॉक एब्जॉर्बर होगा और दूसरा फंक्शन इसमें हो जाएगा रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करेंगे और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का भी काम करेंगे। चलिए यहां पर अब हम एक और बात देख लेते। देखो हार्ट का डायग्राम अगर मैं यहीं पे समझाती तो बहुत डिफिकल्ट होता, हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा है, चीजें बहुत आसान हो गई हैं। यहां पर एक और चीज देखिए, लाल रंग से मैंने कुछ बना रखा है। बेटा ये हार्ट के अंदर मौजूद ऐसे टिश्यूज हैं जो कि हार्ट को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, स्टिमुलेटरी टिश्यूज हम इनको कहते हैं। ये जिसमें मैं बताती हूं आपको, ड्रॉ करके दिखाते हैं, कुछ इस तरीके की मैंने ड्राइंग बना रखी है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर कुछ नोड्स हैं, फिर इन नोड से कुछ ऐसे फाइबर्स निकल रहे हैं, इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड SAN, साइनो एट्रियल नोड। ये बेटा कंडक्शन की शुरुआत करता है, ये खुद सेल्फ स्टिमुलेटरी है, यही पे तो कंडक्शन शुरू होगा। न्यूरोजेनिक होते हैं ये, और इसका नाम है AVN, ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड। अगर हम SAN की बात करें, ये राइट एट्रियम है, ये अपर राइट कॉर्नर में मौजूद है राइट एट्रियम के, AV नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मौजूद है राइट एट्रियम के। यहां से ऐसे फाइबर्स निकल रहे हैं और फिर ये छोटे छोटे परकिंजी फाइबर्स निकल रहे हैं। इन सब को मिलाकर हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये फाइबर्स और ये छोटे छोटे परकिंजी फाइबर्स निकाल के हम इनको बंडल ऑफ हिस का
नाम दे देते हैं, और ये ही हार्ट के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें ऐसे नोड को हम पेस मेकर का नाम देते हैं, ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, चलो और बात करते हैं। मुझे पता है मेरा हार्ट एक मिनट में 70 से 72 टाइम्स धड़कता है, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे एन 70 से 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। ठीक है, एक बात क्लियर हुई आप लोगों की। चलिए आगे बात करते हैं, इतना हम लोगों ने देखा। अब मैं हार्ट का डायग्राम आप लोगों को दिखा देती हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम आगे बात करते हैं, इन दोनों के बीच में राइट एट्रियम और कहां गया। चलो पहले हम बात कर लेते हैं सेप्टम की, इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम दो वेंट्रिकल्स के बीच में मौजूद है। ठीक है, दो एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, जो इन्होंने यहां पे शो नहीं किया है, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, वो भी यहां पे शो नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल यहां से निकली, देखो दिस इज, यहां से जो ये पोर्शन ऐसे दिखेगा आप लोगों को, ये देखिए कुछ इस तरीके से मूवमेंट होने वाला है। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि ब्लड लंग्स में लेकर जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए, और लंग से लेकर आई ये पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लेकर आई हैं। ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां से निकला और ये लो आओटा। ठीक है, इस तरीके से ये मूव करेगा, ठीक है, आओटा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, कहां से आएगा, देखो इन्होंने इस तरीके से वेना कावा बना के दिखाए, वेना कावा से ब्लड आने वाला है। ये लीजिए, वेना कावा से ब्लड आ गया। ये कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए हैं, इनको हम कॉर्डे टेंडाइन बोलने वाले हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉर्डे टेंडाइन कहलाए जाएंगे। हमने देख लिया है हार्ट का डायग्राम, आगे बढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूं। इस चैप्टर का जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन माना जाता है या सबसे कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, वो शायद यही है। क्या है, समझ लीजिए कि हार्ट कैसे कैसे काम करता है। देखो एक मिनट में हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है, यानी कि 60 सेकेंड्स में वो 72 टाइम्स बीट कर रहा है, यानी कि एक बार जब उसने बीट किया वो कितनी देर का हुआ होगा, 60 सेकेंड्स अपॉन 72 डिवाइड किया रहेंगे आप तो 0.8 सेकेंड आएगा। यानी कि एक बार जब हार्ट कंप्लीट कंडक्शन करता है, यानी कि ब्लड राइट एट्रियम में घुसा, राइट वेंट्रिकल में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर बॉडी में चला गया, ये जो पूरी साइकिल हुई है इसको हम वन कार्डियक साइकिल कहेंगे, जो कि 0.8 सेकेंड की होती है। ये है ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल। ठीक है, चलो देखते हैं मैं क्या करने वाली हूं। इस 8 सेकंड को 8 हिस्सों में डिवाइड करके आप लोगों को पढ़ाने वाली। चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट, ऑलमोस्ट 8 इक्वल सेकेंड्स हो गए ना।
ऐसे हम पूरी कार्डियक साइकिल को पढ़ने वाले हैं। सपोज यहां से बात शुरू हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये हो गया मेरा 0.1 सेकेंड, 0.2, फिर तीसरा सेकेंड, फिर चौथा, फिर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। अब होता क्या है, सबसे पहले ऐसे नोड में कंडक्शन जनरेट होता है। हमारा हार्ट मायोजेनिक है, अपना कंडक्शन खुद करता है, उसे ब्रेन की जरूरत नहीं है। तो हमारे हार्ट के ऐसे नोड में कंडक्शन जनरेट होता है, इंपल्स जनरेट होती है। तो सबसे पहले मैंने बोला एस ए नोड में इंपल्स जनरेट हुई, और जैसे ही ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट हुई, वैसे ही एट्रियम के अंदर खुल, जिसको कहते हैं ना कि हलबली नहीं, क्या कहते हैं, खलबली मच गई। हाँ, खलबली, खलबली मच गई और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। तो सपोज अंदर की बातें मैं एट्रियम की कर रही हूं, तो यहां पर क्या हुआ है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि यहां पर एट्रिया डीपोलराइज कर गए हैं, या फिर हम सिस्टोल शब्द भी यूज करते हैं। तो मैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल वर्ड बोल देती हूं, कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए तो उनका ब्लड वेंट्रिकल्स में आएगा। अब जैसे ही 0.1 सेकेंड होता है, उसके बाद में सुनिए जरा क्या होता है, उसके बाद में ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम तक हमारे कंडक्शन पहुंचता है। देखो भाई, यहां से यहां तक पहुंचने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने में 0.1 सेकेंड लगते हैं। तो फिर एवी नोड में डीपोलराइजेशन, एवी नोड में खलबली चालू होगी। अब उसके बाद में क्या हुआ समझे, जैसे ही यहां तक 0.1 सेकेंड हुआ, एट्रिया का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंच चुका है जितना उसको भेजना था, और अब वहां पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि और ब्लड ना आए। तो यहां पर आपको एक साउंड सुनाई देती है जो हम धक धक सुनते हैं, हम उसको लब साउंड कहते हैं। ये लब साउंड क्यों हुई है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के कारण, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाई कस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो एट्रिया तो अब रिलैक्स कर गया है इन सब जगहों पर, अब एट्रिया तो रिलैक्स कर गया है, यानी कि यहां पर एट्रिया तो एकदम नॉर्मल हो गए हैं, एट्रियल डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन कंडीशन है, ठीक है। एक सेकेंड पॉज करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। तो सबसे पहले 0.1 सेकेंड पे ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल सिस्टोल हो गया, उसके बाद में सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया है, फिर वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्रिएट होता है, अगले 0.3 सेकेंड्स तक वेंट्रिकल्स में प्रेशर बना रहेगा। तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और हम इसको कहते हैं वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। कब तक चलेगा, बी पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक, बी टू ई, यानी कि 0.3 सेकेंड्स तक।
वेंट्रिक्युलर सिस्टोल चलता रहता है. सेम टाइम पर जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा था और एट्रिया में कमी हो गई थी तो सेमीलियोनर वॉल्व्स, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो गए. उनके बंद होते ही लब साउंड जनरेट हो गया. अब यहां पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एट्रिया क्या कर रहे हैं, एट्रिया एकदम नॉर्मल है, वो रिलैक्स करके बैठे हैं. ठीक है, एट्रिया में नॉर्मल रिलैक्सेशन हो रहा है, उसी को हमने बोला एट्रियल डाइस्टोल, जो कि अगेन 0.3 सेकंड्स तक चल रहा है. मैं कहां से कहां तक की बात कर रही हूं, बी टू ई यानी कि 0.3 सेकंड्स. ओके, आगे देखते हैं. जैसे ही यहां पर वेंट्रिक्युलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है तो ब्लड कहां जा रहा है, ब्लड जा रहा है हमारे पल्मोनरी आर्टरी और आओटा के अंदर. तो पल्मोनरी आर्टरी और आओटा में प्रेशर ज्यादा, वेंट्रिकल्स में कम, बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए यहां पर क्लोजर हो जाता है, क्लोजर ऑफ सेमीलियूनर वॉल्व, और उसके कारण डब साउंड प्रोड्यूस होता है. जो हम कैरेक्टरिस्टिक साउंड सुनते हैं लब और डब, वो यही साउंड है, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व या क्लोजर ऑफ सेमीलियूनर वॉल्व. अब जब यहां से ब्लड वेंट्रिकल से चला गया है पल्मोनरी आर्टरी में, तो उसके बाद में वहां पर तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने से ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स और एट्रियम दोनों में साथ में ब्लड की फिलिंग होती है. तो ये पूरा पोर्शन कहलाता है जॉइंट डायस्टोल. हम इसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स हैं. Both atrium and ventricle are relaxed. जितना ब्लड एट्रियम में भर रहा है वो सीधा सीधा वेंट्रिकल्स में मूव करता जाता है. कहां से चला, E से A पॉइंट तक, E टू A यानी कि 0.4 सेकेंड्स तक ये चलता रहा. फिर वापस से 0.4 सेकंड्स के बाद ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट कर दिया तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन वेंट्रिकल्स अभी भी, ये रहे हमारे वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स अभी भी डाइस्टोल कंडीशन में है. यहां पर वेंट्रिकल्स तो रिलैक्स ही हैं, वेंट्रिक्युलर डाइस्टोल चल रहा है. अब होता क्या है, वापस से समझिए. सबसे पहले ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेशन किया, एवी उस दोनों एट्रियम ऐसे स्क्वीज किए, ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में, एट्रियम रिलैक्स कर गए, प्रेशर कम हो गया, वेंट्रिकल्स में बढ़ गया. तो 0.1 सेकंड के बाद में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो गए, लब साउंड सुनाई दी. फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइज बड़ा है, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, तो थोड़ा धीरे धीरे काम हो रहा है ताकि अच्छे से हो सके. फिर ब्लड आगे निकल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी एंड आओटा में, वेंट्रिकल्स में प्रेशर की कमी, प्रेशर कम हो गया वहां पे ज्यादा, दोनों सेमीलियूनर वॉल्व बंद हो गए, डब साउंड आ गया. यहां पर वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम है तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हुए थे वो वापस से ओपन हो जाते हैं, ब्लड आराम से एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है. दोनों रिलैक्स कंडीशन में है, जॉइंट डाइस्टोल चल रहा है 0.4 सेकंड्स का. वापस से 0.4 सेकंड के बाद में ऐसे नोड इंपल्स जनरेट कर देता है तो एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, लेकिन 0.1 सेकंड और वेंट्रिकल्स रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं ताकि एट्रिया से सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाए. इस तरीके से ये पूरी साइकिल हमारी चलती रहती है और हम इसको कार्डियक साइकिल का नाम देते हैं. ये रही हमारी कंप्लीट कार्डियक साइकिल. अब हम एक मैं टर्म बताती हूं आपको, विच इज स्ट्रोक वॉल्यूम. इसका क्या मतलब है कि एक बार में वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप कर देते हैं, तो एक बार में वेंट्रिकल्स 70 ml ब्लड की पंपिंग कर देते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार में वेंट्रिकल्स ने कितना ब्लड पंप किया है. नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट. अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में पूरे हार्ट से कितना ब्लड पंप हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ बीट से.
कि एक बार में हार्ट ने कितना बीट किया, इंटू कर दो स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो पता चल जाएगा कि एक मिनट में कितनी बार ब्लड निकला। समझे, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि एक बार में एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप हुआ। कार्डियक आउटपुट क्या है कि एक मिनट में कितना ब्लड निकला। तो हम क्या देखेंगे कि एक बार में कितना निकला इंटू एक मिनट में कितनी बार बीट हुआ। तो स्ट्रोक वॉल्यूम है, वॉल्यूम है 70 ml, एक मिनट में ऑलमोस्ट 72 टाइम्स बीट होता है, ये कुछ आ जाता है 5040 ml के पास में, यानी कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। एक मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर, हमारे बॉडी का 5 लीटर ब्लड हार्ट में एंटर करके वहां से निकलता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहां पर मैं यहीं पर एक चीज समझा देती हूँ, एनसीईआरटी में बाद में दी हुई है, विच इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हम इसी कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। देखो वैसे तो मेरा हार्ट मायोजेनिक है, यानी कि अपना काम खुद करता है, उसको नेचर ने ऑलरेडी उसके अंदर उसका टिश्यू, नर्वस टिश्यू भेजा है, उसे ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। लेकिन फिर भी कभी कभी हम इसमें हार्ट बीट को रेगुलेट कराते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो कार्डियक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, और ये जाता है ANS के पास में। ANS मतलब ऑटो नॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक ANS और एक को हम कहते हैं पैरासिंपैथेटिक ANS। ये जो सिंपैथेटिक ANS है, ये जो सिंपैथेटिक ANS है, ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट को। अगर हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो ये कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर देगा। तो जब भी डेंजर कंडीशंस आती हैं, उस टाइम पर यहां पर सिंपैथेटिक ANS रिलीज होने लगता है, तो आपको फील होता है आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, या जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब भी ये काम होता है, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं तब भी ये काम होता है। और पैरासिंपैथेटिक, जब वो डेंजर कंडीशन निकल चुकी है, हमारी बॉडी को वापस नॉर्मल लेकर आना है, तो ये डिक्रीज कर देता है हार्ट बीट को, और ये डिक्रीज कर देता है कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज इन करने में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इंक्रीज करने में सिंपैथेटिक का, डिक्रीज करने में पैरासिंपैथेटिक का। इसके अलावा हमारी बॉडी का एड्रेनलिन रश, तो एड्रेनलिन हार्मोन जो कि हम पढ़ेंगे कहां से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, किडनी के ऊपर मौजूद होता है, ये भी रेगुलेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को, ये भी रेगुलेट करेगा कार्डियक एक्टिविटी को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब मैं एक इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ाती हूं जिसका नाम है ECG। ECG का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो भाई, समझो ध्यान से, इंसान की हार्ट की जो भी फंक्शनिंग है उसको स्टडी करने के लिए ECG की जरूरत पड़ती है। जब आप लोग MBBS कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पर मैंने ऐसा सुना है कि सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिकल, या वन ऑफ द सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिकल जो MBBS में होता है, वो होता है कि ECG पहचानो। बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज एक्सपीरियंस चाहिए होता है ECG को आइडेंटिफाई करने के लिए। खैर चलिए, हम लोग यहां पर आते हैं, ECG क्या है समझिए। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में इस तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ऐसी लाइंस चलती रहती हैं एक मॉनिटर, एक मशीन पर। हम इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं QRS और इसको कहते हैं T।
तो हम क्या बोलेंगे, टी वेव, क्यू टी वेव, और ये हो जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। कौन क्या दिखा रहा है इसको समझते हैं। जो पी वेव है ये दिखाती है डीपोलराइजेशन। ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस दिखाता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और टी वेव दिखाता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। आपसे बस ये पूछा जाएगा आपके लेवल पे तो, कि कौन सी चीज क्या दिखाती है। ये दिखाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया यानी कि एट्रियल सिस्टोल। क्यूआरएस दिखाएगा डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स यानी कि एट्रियल यानी कि वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। और टी वेव दिखाएगी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि वेंट्रिक्युलर डाइस्टोल को एक्सप्रेस करेगा। दैट्स इट। आप लोगों को आपके लेवल पे बस इतना ही पता होना चाहिए, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, और कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, विच इज रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। या रेगुलेशन तो पढ़ लिया, डिसऑर्डर्स, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं दिल की। सबसे पहली बीमारी जो सबसे कॉमन है वो है हाइपर टेंशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। भाई अगर मैं बात करूं तो आपकी और मेरी बॉडी में नॉर्मल प्रेशर होता है 120 टू 80 mm ऑफ HG। 120 हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। लेकिन अगर किसी इंसान में रेगुलर बेसिस पर 140 और 90 mm ऑफ HG रहने लग जाए तो हम कहेंगे कि उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी है। और इस ये बीमारी बहुत डेंजरस है, इट कैन अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लंग्स, किडनी, इन सबको ये अफेक्ट करने का काम करता है। इतना सा भी प्रेशर चेंज काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, विच इज वेरी कॉमन आजकल के दिनों में। एक और बीमारी का मैं नाम बताती हूं, विच इज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, अक्यूट चेस्ट पेन। जब आपके बॉडी में थोरैसिक कैविटी में जब दर्द चालू हो जाए, बहुत सीवियर पेन चालू हो जाए, तब हम एंजाइना पेक्टोरिस उसे कहते हैं। एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू हार्ट अटैक या इट कैन लीड्स टू हार्ट अटैक। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हो गई एक और बीमारी। एक और बीमारी बताती हूं मैं, चलिए, जिसका नाम है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इसको हम एक और नाम देते हैं, विच इज एथेरो स्क्लेरोसिस। क्या नाम देते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हम इसको नाम देते हैं। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसमें होता क्या है, देखो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। तो देखिए, ये सपोज मैंने हमारी कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन बना दिया, ठीक है, ये मैंने मेरी कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन बना दिया। अब इमेजिन करो कि इस ल्यूमेन पर कैल्शियम के डिपॉजिशंस हो जाएं।
या कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिशंस हो जाएं, तो इसका ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, और छोटा अगर ल्यूमेन हो गया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, डिपॉजिशन ऑफ कैल्शियम एंड कोलेस्ट्रॉल। इसने इससे क्या हो गया, शॉर्टनिंग शॉर्टनिंग ऑफ ल्यूमेन, या ल्यूमेन कैविटी छोटी हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा और ज्यादा हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। चलिए, तीन बीमारियां मैं एक साथ लिख रही हूं, फिर एक साथ समझाऊंगी। एक का नाम है हार्ट फेलियर, एक का नाम है कार्डियक अरेस्ट, और एक का नाम है हार्ट अटैक। ये सब आपने सुने होंगे, लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है, समझाती हूं। ठीक है, हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट अपना काम करने में सक्षम नहीं है। हार्ट का काम क्या था, हार्ट का काम था बॉडी को ब्लड पंप करना, पर वो नहीं कर पा रहा। हार्ट इज अनेबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन टू बॉडी। ये लो जी, दूसरा कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट को अरेस्ट कर लिया, हार्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए, ये लो अब मैं आगे काम नहीं करूंगा, या तुमने मुझे काम नहीं करने दिया, वट एवर। कार्डियक अरेस्ट नाम से मतलब समझ लो, अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग। अगर एकदम से हार्ट अपने हाथ खड़े कर दे तो वो काम करना बंद कर देगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। और हार्ट अटैक मतलब हार्ट पर अटैक हो गया है। हार्ट पर अटैक कैसे होगा, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ हार्ट इज सडनली स्टॉप्ड। अरे भाई, हार्ट का काम है पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करना, वो नहीं कर पाया तो हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेलियर। लेकिन अगर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वहां पर तो उसके ऊपर अटैक पड़ गया है, अब उसकी सेल्स किसी काम की नहीं, कोई काम नहीं कर पाएंगी, हार्ट अटैक। और अगर हार्ट को अरेस्ट कर लिया मतलब उसने अपने हाथ खड़े कर दिया, अब मैं काम नहीं कर सकता, यानी कि कार्डियक अरेस्ट। चलिए, इसके साथ में हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे इसी हफ्ते, आप लोगों को पता है कहाँ मिलते हैं हम लोग, हमारे लाइव सेशंस में, डीपीपी डिस्कशंस में, और अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे।